नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज 25 मई 2022 SSC GD का जो फिजिकल है वो चल रहा है कोयला नगर धनबाद में। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट हैं जो कि अभी फिजिकल देके आ रहे हैं अंदर से। इनसे पूछेंगे कि क्या रीज़न रहा कि रनिंग में लो डिस्क्वालीफाई हो गया और इनका टाइम कितना था और प्रोसेस क्या है अंदर और ये भी सर्टिफाइड है कि नहीं अपने रनिंग से। तो पहले अपना नाम बताएं और कहां से हैं आप लोग। मेरा नाम मोनू कुमार है। हाँ। और मैं रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के गोला ब्लॉक से आया हुआ हूँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभितोष कुमार हुआ और मैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप लोग रिपोर्टिंग टाइम कितने बजे किए थे यहाँ पे? 4 बजे का। 4 बजे सर। आप लोग 4 बजे रिपोर्ट किए थे? जी सर। रिपोर्ट करने के बाद आप लोग को अंदर ले जाया जाए, उसके बाद प्रोसेस क्या हुआ आपको? पहला प्रोसेस सबसे पहले तो वही बायोमेट्री लिया गया और कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया फिलअप करने के लिए। उसके बाद फिर वो सब फिलअप करने के बाद हाइट मेजरमेंट हुआ, उसके बाद रनिंग करने के लिए लेके जाया गया। जी। बायोमेट्रिक में किसी तरह कोई दिक्कत हुआ क्या कोई भी स्टूडेंट का, किसी भी स्टूडेंट्स का? हाँ, कुछ कुछ स्टूडेंट थे जिनका मतलब बायोमेट्रिक में प्रॉब्लम हो रही था, मैच नहीं कर रहा था, उनको लास्ट में देखा गया था। अच्छा, बायोमेट्रिक के बारे में अभी आपको एक वीडियो डिटेल में मिलेगा, उसके बारे में अभी हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। उसके बाद बायोमेट्रिक के बाद आप लोगों का क्या प्रोसेस हुआ? बायोमेट्रिक के बाद फिर जैसा इन्होंने बताया कि हाइट मेजरमेंट, और हाइट के बाद फिर अपने को दौड़ के लिए रेडी किया गया। हाइट में कितने लोग डिस्क्वालीफाई हो गए? हाइट में वो मैंने देखा नहीं, मींस हमारे पीछे काफ़ी कैंडिडेट थे। हाँ, 40-50 लोग थे। हाँ, हाइट में। उसके बाद फिर हाइट मेजरमेंट के बाद फिर हाइट में फिर रनिंग रनिंग के लिए रेडी किया गया। रेडी किया गया हम लोग को। आप लोग किस बैच में थे, किस राउंड में थे? फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड? फर्स्ट राउंड में थे। जी। कितने लोग का बैच बना था फर्स्ट राउंड में? 127 थे। 127 था जिसमें 81 लोग क्वालिफाई किए थे और 46 डिस्क्वालीफाई किए थे रनिंग में। सेकंड बैच के बारे में भी कुछ जानकारी है क्या, कितने बैच, कितनों का बैच बना था? नहीं, सेकंड बैच की जानकारी, सेकंड बैच के बारे में जानकारी। आप लोग में 81 जो है कि क्वालिफाई किए, बाकी लोग डिस्क्वालीफाई। अच्छा, आप लोग का रनिंग कितने सेकंड से रह गया? मेरा 15 सेकंड से लगभग रह गया। मेरे पाँव में थोड़ा पेन की वजह से मतलब पूरा मैं नहीं कर पाया, लास्ट में 400 मीटर के आसपास में पीछे रह गया। 400 मीटर। अच्छा, आप लोग घर में जो प्रैक्टिस करते थे उसमें आप लोगों को टाइमिंग कितना आता था और कितने दिन से कर रहे थे आप लोग? उसमें टाइमिंग ठीक था, 26 आता था, पर धीरे धीरे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखे थे कि कम में लेके आ जाते थे। 26 आ रहा था, उनका 23 में लेके आ जा रहे थे। पर मेरा थोड़ा पाँव में प्रॉब्लम की वजह से मैं घिंच ही नहीं पाया लास्ट टाइम में। मतलब आप रनिंग पूरा कम्प्लीट नहीं कर पाए? नहीं कर पाए। आप लोग ट्रैक पर रनिंग करते थे या फिर फील्ड में? नहीं, ट्रैक पर रनिंग करते थे। यहाँ का जो ट्रैक भी थोड़ा था ना, वो थोड़ा स्टार्टिंग टाइम में थोड़ा चढ़ाव था। बहुत सारे स्टूडेंट की शिकायत भी थी कि ट्रैक में थोड़ा चढ़ाव ज़्यादा है, कहीं पे चढ़ाव है या कहीं ढलाव है, मिक्स है, बहुत ज़्यादा घुमावदार था। हाँ, घुमावदार तो खैर है, लेकिन तीन जगह चौक है, अगर ये सीधा रहता तो कुछ ज़्यादा बच्चे लोग क्वालिफाई कर पाते। हाँ। अच्छा, मेरा सर दोनों ग्राउंड और रोड में ही मेरा दोनों प्रैक्टिस रहा है, और मेरा टाइमिंग लगभग 25 मिनट लगता था, यहाँ भी अप्रॉक्स 24 मिनट 30 सेकंड लग गया। कितने दिन का आप लोगों का प्रैक्टिस था रनिंग का? मेरा सर 2 महीना का लगभग। 2 महीना का? और आपका? 1.5 महीने का सर। 1.5 महीने का। मतलब आप लोग का जो इससे पहले कभी भी रनिंग करते थे तो 24 मिनट के अंदर आप लोगों का टाइमिंग जो नहीं आया था। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से रहेगा कि आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम हुआ था उसमें आप लोगों का नॉर्मलाइज नंबर और रो मार्क्स कितना आया हुआ था? मेरा रो मार्क्स 62 था और नॉर्मलाइज करके 63 हुआ था। एक ही नंबर बढ़ा था। मेरा रो मार्क्स था 52 और बढ़ के 59 हो गया था लगभग। अच्छा, और कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे जो कि आगे आने वाले फिजिकल हैं? सबको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, और कैंडिडेट्स जो प्रैक्टिस नहीं किए हैं वो काफ़ी मतलब उनके लिए मुश्किल होगा ये निकालना, लगभग एटलीस्ट 2-3 महीने से ज़्यादा प्रैक्टिस टाइम है तो थोड़ा प्रैक्टिस करें। और क्या आप लोगों का फर्स्ट राउंड जो था वो कितने बजे स्टार्ट हो गया था रनिंग के लिए? 5:30 में हो गया था। अच्छा, आप लोग जब रनिंग कर रहे होंगे तो आप रोड पे ऑडियंस को देखे होंगे, वो भी चेयर अप कर रहे, तो उन लोग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो लोग काफी मोटिवेट किए, काफी मोटिवेट किए। हाँ। और यहाँ के जो स्टाफ थे CICF वाले वो लोग बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेट किए हम लोग का। मतलब आप लोग ओवरऑल अपनी रनिंग से संतुष्ट हैं यहाँ पे जो? बिल्कुल बिल्कुल, सभी चीज़ से संतुष्ट हैं, बिल्कुल, हाइट और चेस्ट जो भी नापा गया सब बिल्कुल। चलिए, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? सबको बेस्ट ऑफ लक सर, जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको। अच्छा, चलिए, थैंक यू। जैसे कि देखे दोस्तों आप लोगों ने, इन्होंने रनिंग दे के आए हैं जो कि इसमें डिस्क्वालीफाई हो गए। इन लोग अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर किए और इन्होंने बताया कि मेरा टाइमिंग क्या आता था जो घर तरफ प्रैक्टिस करते थे और यहाँ में क्या डिफरेंस है। ओवरऑल इन लोग भी खुश थे यहाँ के ट्रैक से, और यहाँ के जो लोग हैं सपोर्टिव है उनसे ये काफ़ी खुश थे। आपसे भी जरूर कहना चाहेंगे कि आप जब भी आपका रनिंग है तो आप इससे पहले अपना प्रैक्टिस करके आएँ ताकि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है जो आप यहाँ के कैंडिडेट से पूछना चाहते हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगली वीडियो में आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आपका रिप्लाई मिल जाएगा।